फातिमा आओ नाश्ता करो। मुझे भूख नहीं है। फातिमा देखो, मैंने कल भी तुमसे गुजारिश की थी कि अब प्लीज अपनी नाराजगी छोड़। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो आपकी दूसरी बीवी आ गई है जो आपकी मोहब्बत भी है, उसकी फिक्र करें। तुम्हें क्या लगता, मुझे तुम्हारा जरा भी ख्याल नहीं? सच यही है और आप इस सच को झुठला नहीं सकते। आपको मेरी तो क्या, अपने बच्चे की भी परवाह नहीं है। अगर होती ना तो कभी अनिका को इस घर में नहीं लेकर आते। ऐसा तुम सोचती हो फर? मेरे लिए आज भी तुम और मेरा बच्चा सबसे ज्यादा है। देखो फातिमा, अगर तुम मुझे प्लीज एक दफा माफ कर दो तो मुझे जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। सच कह रहे हैं? तो ठीक है, चले मेरे साथ और अनिका को तलाक दे दे। क्या हुआ, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया? चले और अनिका को छोड़ दें? फातिमा तुम जानती हो ये मुमकिन नहीं है। आपसे इसी बेवफाई की उम्मीद थी। एक बात कहूं तुमसे, अगर मैं तुमसे अनिका से शादी करने की इजाजत मांगता तो क्या तुम मुझे दे देती? मैं छोड़ देती आपको।